ठीक है जी, छोके लड़े एक बार पड़ जाएगा लारू मुंडे मोड़ देना थार देने लगे अरे आगे मत जाओ पागल थोड़ी है नीचे कूदी तोड़ निकाओ बटको बड़े चावड़ पाड़ दे तोड़ निकाओ तोड़ निकाओ मन दिया नहीं यार बटको आदमी बच्चो यार मत अटे डरे हो रहे बात है फुट तो मारे आराम पकड़ मिली बोल भैया बोल अजे तोड़ तोड़ के निंगले ही दे कोई चीज इन तोड़ में कोई लता जाए अरे कोई कोई ना अरे बास लो वो तो छोटो एकरा ही ना जरी दे है माने भारी हां खराब निकाल दे
भगत पूरा गांव जो कि अपने रास बाबरा रोड पर आया हुआ है और यह है पप्पू भाई का साथ। इन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक अजगर साहब, जैसा कि आपने देखा होगा, लगभग 25-30 फुट बड़ा एक बबूल का पेड़ था, उसमें बैठा हुआ था। वहाँ पर चढ़ने का कारण वहाँ पर बबूले रात को वहाँ पर आके बैठ जाते थे, उनका शिकार करने के लिए ये उस पर चढ़ा था। उसने एक बबूले को भी मार दिया जो दूसरे पैर पर वो झाड़ियों में अटका पड़ा है। हो सकता है उसने उसको निगला नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके पेट में कुछ भी खाया हुआ नहीं है। तो ये मार के ऊपर चढ़ गया और ग्रामीणों ने सुबह उसको देख लिया। पेड़ पे आज एक भी पक्षी नहीं है। मैं आया जब यहाँ, कौवे जो भी सारी चिड़िया वगैरह तो चहचहा रही थी, मतलब पक्षियों को खतरा पहले महसूस हो जाता है। तो हो सकता है उनकी आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने उसको देख लिया हो। मुझे सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचा और इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया।